देखिए साइंस किट है ना जो आपके विद्यालय में लाई गई है ना, इससे हम लोग विज्ञान के बारे में पूरी तरीके से जान सकते हैं, है ना। ये है क्या है, आर्मीचेयर, ठीक है, इससे नापते हैं ना आर्मीचेयर। ये है वोल्ट मीटर, ये क्या है वोल्ट मीटर, ये सारा सामान इसके अंदर था, ये क्या है वोल्ट मीटर, इससे नापते हैं कितना वोल्ट है। ये है लिटमस पेपर, ये क्या है लिटमस पेपर, एक है देखो लाल एक है नीला, ठीक है, हमने आप लोगों को पढ़ाया है ना कि जो अम्ल होता है वो क्या करता है नीले लिटमस को लाल करता है, ठीक है, जो लिटमस पेपर होगा उस पर जब हम अम्ल को डालेंगे तो क्या कर देगा वो नीले को लाल कर देगा, और छा क्या करेगा उल्टा काम, लाल को नीला कर देता है, ठीक है। ये है मैग्नीफाइंग ग्लास, इससे कोई चीज हमें बड़ी दिखती है, मान लो कोई बहुत बारीक हो जो नहीं दिख रही है तो इसको ऐसे देखेंगे, देखो ध्यान से देखो बड़ा दिख रहा है नहीं, हाँ इससे बड़ा दिखता है ना, ठीक है। उसके बाद ये है परख नलियां, ठीक है, परख नलियां, इस पे हम लोग उत्प्रेरक या जो भी होता है रिएजेंट वगैरह मिला के गर्म करते हैं, तो गर्म करने बहुत ज्यादा गर्म भी हो सकती है ना, तो इसके लिए क्या आता है कि स्टैंड, स्टैंड आता है ना, ठीक है, स्टैंड जब लगा लेंगे तो हमारा हाथ गर्म नहीं होगा, ठीक है। गर्म करने के लिए देखिए क्या है स्पिरिट लैंप, स्पिरिट लैंप रखा हुआ है ना, स्पिरिट लैंप में जब हम ईंधन भरेंगे और ये जलाएंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद एक ये चीज आती है, ये है क्या है फ्लास्क, जिसमें देखिए ये नंबर पड़े हुए ना कितने एमएल है, जब भी हमको नापना होगा कि हमके इतने एमएल डालना है तो उतना ही इसमें डाल के, ठीक है, फिर उसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये होती है गेज जाली, ठीक है, इस पे कागज लगा रहता है, तो जब इस पे रखेंगे और कोई भी कटोरी या किसी चीज में गर्म करेंगे, प्लास्टिक में गर्म कर नहीं सकते, जल जाएगी ना, तो वहां पे स्टैंड पे रख के ही गर्म करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कहे पे, ये भी एक स्टैंड होता है फंसाने के लिए पकड़ने के लिए, ये क्या होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट भर के उस पे डालने हैं, कीप लगी ना, देखिए। अब आते हैं हम लोग काहे पे, ये है ह्यूमन स्केलेटन, अस्थि पंजर, जो हमारा शरीर है हम लोग इसको कैसे समझेंगे, ये एक मॉडल के रूप में दिया गया है, ठीक। ये देखिए इसमें ध्यान से देखिए, ये अस्थि पंजर का मॉडल है ना, पूरा इस तरह बना होता है, इस तरह अस्थियां होती हैं शरीर में, इस तरह अस्थियां होती है, देखिए ठीक है, यहाँ पैर पूरा, ठीक। अब आते हैं हम लोग, ये देखिए इसमें तरह तरह के, ठीक है, पदार्थ इसमें साथ में मिले हुए हैं, रिएजेंट देखिए इसमें मिले हुए हैं, क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या है यूरिया, ठीक, इसी तरह इसमें देखिए और दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसमें बहुत चीजें सब दी गई हैं, ठीक। और एक ये है कंपास, कंपास क्या होता है, जिससे हम लोग को दिशा का ज्ञान होता है, जैसे मान लो रात हो गई जंगल में कहीं चले गए तो क्या हमको सूरज दिखाई पड़ेगा कि कौन सी दिशा है, तो ये कंपास का इस्तेमाल करेंगे, इसकी सुई हमेशा क्या उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकती है, हमने आपको पढ़ाया था ना कंपास की सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण में रुकेगी, तब हम लोग जान जाएंगे कि उत्तर किधर है दक्षिण किधर है, अगर हमें उत्तर दक्षिण मालूम चल जाए तो हम लोग पूरा पश्चिम जान जाएंगे किधर है ना। ये सारी चीजें देखिए आपके लिए विद्यालय में लाई गई है, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, इसमें देखिए स्केल दी गई है, ठीक है, ये कागज दिए गए हैं, इसका काम क्या होता है छानने के लिए रहता है, ये कीप रहती है, फिर इसमें कागज इतना लगा के उसके बाद यहाँ पर रख के ऊपर से डालेंगे जो गंदगी होगी पूरी ये छन जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें इसके इस्तेमाल करने के लिए दी गई है, और इसमें देखिए ये है क्या है जिससे हम लोग ऐसे भरेंगे, ठीक है, कीप जिसको कह सकते हैं ना, ऐसे करके डालने के लिए होता है ताकि हाथ में हमारे ना लगे, ठीक, इसी तरह इसमें देखिए सारी चीजें दी गई है इस्तेमाल करने के लिए, ये है स्ट्रिप, ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, ये दिया गया इसमें इस्तेमाल करने के लिए लॉक, जिससे हम लोग लॉक लगाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इस्तेमाल करने के लिए आप लोग के स्कूल में लाई गई हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग, ठीक है, नियमित रूप से करेंगे, जब विज्ञान पढ़ाएंगे वहां पे जब कोई प्रयोग करने के लिए आएगा तो इसको निकाल के हम आपको प्रयोग कराएंगे, ठीक है, जितना संभव हो सकेगा, तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आया।
है, ये आपके विद्यालय के लिए आई है और हमेशा रहेगी। ठीक।